अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को और उनकी टीम को, पूरी माननीय कृषि मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण जो भी बिल पास कराया है, मैं उनके लिए बधाई देना चाहता हूं। मैं माननीय अध्यक्ष जी, पिछली 15वीं लोकसभा में जहां से मैं आज बैठ कर के बात कर रहा हूं, मैंने लगातार खड़े होकर के कांग्रेस की सरकार से मांग करता रहा कि किसानों की लागत का डेढ़ा मूल्य किसानों को दिया जाए, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने किसानों की उस भावना को नहीं समझा। आज मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय अपने कृषि मंत्री जी को, उनकी पूरी टीम को, किसानों की लागत का डेढ़ा नहीं बल्कि दूना मूल्य देने का पूरा पूरा व्यवस्था उन्होंने इंतजाम किया है। मैं इसके लिए उनको बधाई देना चाहता हूं। साथ ही मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र बांदा उत्तर प्रदेश में, मैं जहां से चुनकर के आता हूं, वहां पर अभी हाल में जो मई जून में 2020 में किसानों की जो फसल खरीदी गई है चने की, तो नरैनी और बांदा क्षेत्र में मेरे चने की फसल का जो अभी तक का भुगतान नहीं हो पाया है, वो इसलिए नहीं हो पाया, वहाँ के उपजिलाधिकारी ने एक रिपोर्ट दिया कि इन्होंने ज़्यादा फसल बेच लिया और एक मानक से अधिक बेच दिया। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि मानक, ये जो मानक का बिंदु बीच में अधिकारी लोग लगा देते हैं, उसको ख़त्म किया जाए और वहां पर बांदा के जो नरैनी और बांदा में जिन किसानों का अभी तक चने की फसल का भुगतान नहीं हुआ है, उसका भुगतान कराए जाने की आपके माध्यम से मैं अनुरोध करता हूं, मांग करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय।